दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना जिले के रैगांव में उपचुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा में टिकट के दावेदारों की मारामारी मची हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों से छन कर एक खबर आ रही है कि भाजपा से जुड़े एक बड़े नेता, एक बड़े नेत्री कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में। बताया तो यह जा रहा है कि यह भाजपा से जुड़े नेता या नेत्री कमलनाथ और अजय सिंह राहुल दोनों के संपर्क में हैं। तो क्या कांग्रेस भाजपा के किसी बड़े नेता या नेत्री को तोड़कर कांग्रेस से चुनाव लड़ाएंगे? क्या कांग्रेस भाजपा को भाजपा की तरह जवाब देने के मूड में है? ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, यह सच होता है, तो काफी दिलचस्प होगा। मगर क्या भाजपा से आए हुए नेता या नेत्री को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी? मगर एक सवाल और उठाया जा रहा है कि क्या रैगांव में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है? अगर मजबूत नहीं है तो फिर तो मतदाताओं की नब्ज के अनुसार ही चुनाव होंगे। अगर मतदाताओं के नब्ज में, मतदाताओं के मन में बीजेपी के प्रति आक्रोश है, तो लोग कांग्रेस में आए हुए इस बीजेपी के आयातित नेता को या नेत्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर मामला बहुत दिलचस्प होगा। मैंने प्रयास किया कि अजय सिंह राहुल से मिलते हुए या कमलनाथ से मिलते हुए इस भाजपा नेता या नेत्री की एक फोटो मिल जाए, मगर यह बैठकें बहुत गोपनीय ढंग से हुई है। लोगों ने देखा है मगर फोटो हासिल नहीं हो पाई। अब आप इस पे विचार करें और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि कौन ऐसा भाजपा का नेता या नेत्री हो सकता है जो कांग्रेस के संपर्क में है।